बेड़ो प्रखंड क्षेत्र के गांवों में नहीं थम रहा है हाथियों का उत्पात। गेहूं व सब्जी की फसलों को खाकर व रौंदकर उत्पात मचा रहे हैं जंगली हाथी। जहां पिछले डेढ़ महीने से हाथियों के उत्पात लगातार जारी हैं, जिसके चलते ग्रामीण शाम होते ही अपने घरों में दुबक जा रहे हैं। प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गाँव के ग्रामीण रत जग्गा करने को भी विवश है। हाथियों का उत्पात किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। आए दिन हाथियों का झुंड किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ग्रामीण रत जग्गा कर फसलों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जंगल में डेरा जमाए हाथियों द्वारा आए दिन घरों को ध्वस्त कर घर में रखे अनाज को चट कर रहे हैं और खेतों में लगी सब्जियों व फसल को खाकर व रौंद कर बर्बाद कर रहे हैं। जहां शुक्रवार की शाम लगभग 6 बजे गांव में दो हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसमें बासु उराव का नया बना रहे मिट्टी के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं पंकज कुजूर के तोड़े हुए मटर 1 क्विंटल और मटर खेत में 20,000 रुपये की बंधा गोभी का नर्सरी, गेहूं प्याज चामे खाखा गंदूर कुजूर फिलिप खेस जोधन लकड़ा इतवा क्रिकेटा झरी क्रिकेटा के गेहूं की फसल, मतियस खेस के आलू की फसल को खाकर व रौंद कर बर्बाद कर दिया। तीन हाथियों ने राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय पंडरा के सभी खिड़की दरवाजा व चापाकल को तोड़ डाला। पंचायत हरिहरपुर जामटोली के पंडरा में रात लगभग 12 बजे तीन जंगली हाथियों ने राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय पंडरा के सभी खिड़की दरवाजा व चापाकल को तोड़ डाला। वहीं रसोई का दरवाजा तोड़ते हुए रसोई में रखे सभी अनाज को खाकर व छींटकर बर्बाद कर दिया। इसकी सूचना पर मुखिया लक्ष्मी कोया व सुनील कच्छप ने स्कूल पहुंचकर क्षति का जायजा लेते हुए स्कूल की अध्यापिका बिमला क्रिकेटा को वन विभाग के द्वारा मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। सोना न्यूज बेड़ो से राज रोई की रिपोर्ट। टेढ़ा कर दिया।